पॉपकॉर्न वाला आ गया भाई, पॉपकॉर्न वाला, गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पॉपकॉर्न वाला आया, पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला, जल्दी जल्दी आ जाओ, गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। बाबा प्लीज, मुझे भी पॉपकॉर्न खाने हैं, मुझे पैसे दीजिए। बबलू बेटा, जिद नहीं करते, और रोज रोज पॉपकॉर्न खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं ना बाबा, मुझे पैसे चाहिए और मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। अच्छा ये लो। अंकल, अंकल 10 रुपए के पॉपकॉर्न दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बबलू भाई, सबसे पहले आपको पॉपकॉर्न वाले अंकल को सलाम करना चाहिए था। जी वो मैं भूल गया था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बबलू भाई, आप रोज पॉपकॉर्न खाते हैं? जी हाँ नोमान भाई, मैं तो रोज पॉपकॉर्न खाता हूँ, और जब बाबा पैसे नहीं देते तो मैं जिद करके ले लेता हूँ। लेकिन बबलू भाई, जिद करना तो अच्छी बात नहीं होती, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। जज़ाकअल्लाहु खैरा गुलाम रसूल भाई, मैं अंडा जिद नहीं करूँगा। मेरे पॉपकॉर्न, मेरे पॉपकॉर्न दो। हसन भाई, मेरे पॉपकॉर्न दो। हसन भाई इधर आइए। रुकिए फजान भाई। नुमान भाई, किसी को तकलीफ पहुंचे तो हमें हंसना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। और आवाज से हंसना कह कहा कहलाता है, और कह कहा शैतान की तरफ से होता है। फिलहाल मैं मेरे पॉपकॉर्न दो, पॉपकॉर्न दो मेरे, फिलहाल मैं मेरे पॉपकॉर्न दो। ये मेरे पॉपकॉर्न है। मुझे पता है ये पॉपकॉर्न आपके हैं, मैं तो बस कल वाला बदला ले रहा था जब आपने कल हमें भूत बनकर डराया था। बुरी बात, ये उठाइए, ये तो रिस्क की बेहुरमती है, हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए। फैजान भाई, बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं है, और कल तो बबलू भाई से बस हो गया था, उनका तो कोई इरादा भी नहीं था आपको डराने का। और फैजान भाई, अगर ऐसा हो भी जाए तो मुआफ कर देना चाहिए, आपको मालूम है मुआफ करने की फजीलत क्या है? गुलाम रसूल भाई, मुआफ करने की फजीलत? जी, मुआफ करने की बड़ी फजीलत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह, तेरे नजदीक कौन सा बंदा ज्यादा इज्जत वाला है? फरमाया, वो जो बदला लेने की ताकत के बावजूद माफ कर दे। सुभानअल्लाह, और अमीर आला सुन्नत ने अफू दरगुजर की फजीलत यानी माफ करने की फजीलत पर एक किताब भी तहरीर की है। माशाअल्लाह, हमारे घर में ये किताब लाजमी होनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, बस बच्चे कुत्तों को पत्थर मारते हैं, कुत्तों को पत्थर मारने से गुनाह तो नहीं मिलता। नुमान भाई, कुत्ता या किसी भी जानवर को बिना वजह तकलीफ पहुंचाना नाजायज है। अमीर आला सुन्नत फरमाते हैं, बिना वजह कुत्तों को मारना जुल्म है। नुमान भाई, याद रखिए, जानवर की बददुआ भी मकबूल है। अपना ये जहन बना लीजिए कि ना कुत्ते को मारना है और ना ही बिल्ली और चूंटियों को, इसलिए कि चूंटी को भी बिना वजह मारना नाजायज गुनाह है। अरे, ये बबलू भाई कहाँ रह गए? नहीं बबलू भाई, नहीं, कुत्ते को नहीं छेड़े, ये आपके पीछे लग जाएगा। नहीं गुलाम रसूल भाई, ये कुत्ता मेरी नकल उतार रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं बबलू भाई, नहीं। Huh?
गुलाम रसूल भाई बबलू को कुत्ते से बचा पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए गुलाम रसूल का अगला एपिसोड 14 जून बरोज इतवार सिर्फ किड्स मदनी चैनल पर। बच्चों का मदनी चैनल।